नमस्ते बच्चों, आज हम प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 और 5 के अंतर्गत आकलन 6 को हल करेंगे। आइए हम हल करते हैं। आकलन 6, पेज नंबर 116। पहला क्वेश्चन है, बताइए किसकी लंबाई अधिक होगी, अपने हाथ के बलिष्ठ से मापें। बलिष्ठ मतलब अपने हाथ से नापना है। ये इधर ब्लैक बोर्ड है और इधर टेबल है। ब्लैक बोर्ड की लंबाई अपन नापते हैं तो लगभग 7 बलिस्थ ब्लैक बोर्ड की लंबाई होगी। टेबल की लंबाई नापते तो लगभग 10 बलिस्थ होगी। दोनों में से किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो टेबल की लंबाई ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए तराजू में पलड़े को देखिए। इधर पलड़ा दिख रहा है अपने को, दोनों ओर बराबर है। इधर कंचे हैं, ये डस्टर है। इधर 5 कंचे रख रखे हैं तब एक डस्टर के बराबर हो रहे हैं। दूसरा पलड़ा देखेंगे, इधर 4 डस्टर रख रखे हैं और इधर क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा रखा है। इसका मतलब इधर कितने कंचे आएंगे, बताइए कि 4 डस्टर वाले कपड़े को बराबर करने के लिए कितने कंचों की आवश्यकता होगी। तो एक डस्टर के लिए 5 कंचे, तो 4 डस्टर के लिए अपने को इसको 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20 कंचे, इसका उत्तर ये होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी 10 जग पानी से भरती है, एक जग 8 गिलास पानी से भरता है, बताइए बाल्टी में कितने गिलास पानी आएगा। अपने को इसको यूं हल करने के लिए 10 × 8 = 80 गिलास, इसका उत्तर होगा 80 गिलास। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में 4 अलग-अलग बर्तन हैं जिसमें एक जैसी ऊंचाई तक पानी भरा है, बताइए किसमें कम और किसमें ज़्यादा पानी है। कम से ज़्यादा को 1 से 4 के क्रम में लगाइए। इधर अपने को 4 बर्तन दिख रहे हैं, चारों बर्तन को अपन देखेंगे, चारों में लगभग बराबर माप है। यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक ए बे से दे। जो बर्तन ज़्यादा चौड़ा होगा उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है अपने को, तो इसमें 1 नंबर लगाना है। इसके बाद ये है, इसमें 2, 3 और 4, इस प्रकार अपन ने हल किया आकलन 6, गणित कक्षा 4, 5 और पेज नंबर 116। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट और नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।